हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और होंगे। सो क्लास, जैसे कि आप जानते हैं, ये हमारा क्लास सिक्स का पहला दिन है। आज हम जानेंगे कि आज क्लास सिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या जानेंगे, हम जानेंगे कौन से चैप्टर हमारे पास हैं, उन चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे और किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं साइंस के बारे में। तो किसी को पता है साइंस क्या होता है या विज्ञान क्या होता है, किसे हम विज्ञान कहते हैं? जिसे पता है हाथ खड़े कीजिए। जीआईसी बचवावन, आप में से किसी को पता है कि विज्ञान किसे कहते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ विज्ञान किसे कहते हैं। हमने कहा कोई भी चीज है, किसी भी विषय के बारे में आप पढ़ रहे हो, उसका जो निश्चित, उसे हम क्या कहेंगे? साइंस कहेंगे। जैसे कि हमने कहा है साइंस क्या होता है, किसी भी विषय का, किसी भी चीज का, किसी भी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, किसी भी विषय से संबंधित हो, उस विषय का जो निश्चित और क्रमबद्ध ज्ञान होता है। यानी एक तो हमारे पास आया निश्चित, दूसरा आया क्रमबद्ध, देखिए दो चीजें आपको ध्यान रखनी। हमने कहा साइंस क्या होता है, किसी भी चीज के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो उसका ज्ञान कैसा होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। और दूसरा हमने कहा क्रमबद्ध होना चाहिए। पहले देख लेते हैं क्रमबद्ध क्या होता है। क्रमबद्ध का मतलब होता है जो हम चीज पढ़ रहे हैं उसका एक क्रम होता है। जैसे कि आपने गिनती पढ़ी होगी, तो किस प्रकार से आपने पढ़ी है? आपको पता है एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है। इस प्रकार से हमने क्रम में पढ़ा है। सबने ऐसे ही पढ़ा है। जीआईसी बचवावन आपको सुनाई दे रहा है? तो हमने क्या कहा जीआईसी बचवावन? ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है। हमने क्या कहा, किसी भी चीज को हम एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, क्रम में पढ़ रहे हैं। अब जैसे अगर हम एबीसीडी को पढ़ते हैं तो एबीसीडी भी क्रम में होता है। हर चीज आप जो भी पढ़ते हो, अगर आपको कहा जाए कि आपको लिखना है, तो लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? लिखने के लिए सबसे पहले हम अक्षरों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अक्षर पढ़ते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को हमने पढ़ा। जब हमने अक्षरों का ज्ञान हमें हो जाता है, फिर अक्षरों से हमने शब्द बनाए हैं। शब्द क्या होगा? दो या दो से अधिक अक्षरों से मिलकर एक शब्द का निर्माण होता है। अब क्रम देखिए, हमने कहा पहले हमने क्या कहा, एक शब्द पढ़ा है। हमने कहा है, आपने कहा अ या आ या मा, हमने ये पहले शब्द पढ़े हैं, अक्षर पढ़े हैं। अब हमने कहा अक्षरों को मिला के हम शब्द बनाएंगे, तो अब हमने क्या लिखा? हमने कहा आम। देखिए सीक्वेंस आ रहा है, क्रम आ रहा है, अक्षर, अक्षर के बाद हमने कहा शब्द आ गया है, शब्द के बाद अब हम पूरा वाक्य बनाते हैं। हमने कहा आम मीठे हैं। अब हमने पूरा क्या कर दिया है, वाक्य बना दिया है। वाक्य को बना करके अब हम पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने कहा हम क्रमबद्ध पढ़े। ऐसा नहीं होता है कि सीधे पहले हमने वाक्य बनाना सीखा या सीधे ही हम पहले कुछ ही शब्दों को बनाना सीख रहे हैं। हम क्या करेंगे, पहले छोटी सी चीज को सीखेंगे, छोटी से फिर उससे बड़ी चीज को सीखेंगे। यही है, पहले हमने एक अक्षर को देखा, फिर हमने दो शब्दों को लिखा, फिर हमने यहाँ पे पूरा एक वाक्य बना दिया है। यानी पहले छोटी सी चीज को समझेंगे, फिर उससे बड़ी चीज को समझते हुए चले जाएंगे। इसी चीज को हम कहते हैं क्रमबद्धता। साइंस इसी का नाम है। साइंस क्या होते हैं? साइंस में क्या करते हैं, इसी प्रकार का अध्ययन हम करते हैं। चाहे हम किसी भी विषय के बारे में पढ़ रहे हो, हम क्या करेंगे, पहले सरल रूप को पढ़ेंगे, सरल चीजों के बारे में जानेंगे, सरल चीजों से धीरे धीरे फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि आप अभी तक पढ़ रहे हैं, अभी तक पहले आपने गिनती सीखी है, फिर आपने पहाड़े सीखे, फिर आपने जोड़ सीखा, घटाना सीखा। तो जब आपने जोड़ घटाना सीखा, तो आपने एकदम से जोड़ घटाना नहीं सीखा, पहले आपने नंबर सीखे, नंबर को पहचानना सीखा, फिर आपने एडिशन जाना यानी कि जोड़ जाना, उसके बाद आपने घटाने जाने, फिर आपने देखा मल्टीप्लाई किस प्रकार से करते हैं यानी कि गुणा किस प्रकार से करते हैं। सबको पता चल गया कि क्रमबद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? जिसे समझ आया हाथ खड़े कीजिए। जीआईसी बचवावन, जिसे समझ आया हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है,
अब एक चीज का मतलब हम समझ चुके हैं कि यहाँ पे क्रमबद्ध ज्ञान होता है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। अब दूसरा शब्द हमारे पास पास आता है निश्चित। निश्चित का क्या मतलब होता है? अगर आपसे कहा जाए 2+2 कितना होता है, यानी कि 2+2 को आप अगर जोड़ोगे तो कितना होगा हमारे पास, हमने कहा 4। यही चीजें हम देखते हैं, हमने कहा 2+2=4 होता है। अभी बात सबको पता है, निश्चित का मतलब है ये किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होगा, जहां पे भी 2+2 होगा वहां पे 4 ही होता है, ये क्या है, निश्चित है। तो अब हमने क्या जाना, विज्ञान क्या होता है, किसी भी विषय का जो निश्चित ज्ञान है, यानी कि वो निश्चित है, वो परिवर्तित नहीं होगा, जो आपको बताया जा रहा है वो निश्चित है प्लस क्रमबद्ध है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो क्या आप बताएंगे, आप बताएंगे किसी भी विषय का, किसी भी वस्तु का निश्चित और क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। सबको याद है, सबको याद हो गया है, हाथ खड़े कीजिए। जीआईसी बचवा बहन, जीआईसी द्यारतोली आपको सुनाई दे रहा है, जीआईसी द्यारतोली हाथ खड़े कीजिए जिसे सुनाई दे रहा है, जीआईसी द्यारतोली आपको आवाज आ रही है, हाथ खड़े कीजिए अगर आपको आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, तो हमने क्या जाना, हमने जाना एक तो हमारे पास ये डेफिनेशन आती है जो क्या कहती है, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। यानी कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से भौतिक और प्राकृतिक दुनिया की संरचना और व्यवहार का अध्ययन है। या तो आप इस डेफिनेशन को अपने पास लिखेंगे, या फिर आप कौन सी डेफिनेशन को लिखेंगे, किसी भी विषय का निश्चित और क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। जो भी डेफिनेशन आपको सरल लग रही है, जिसे भी आप याद कर सकते हैं, उसे आप नोट कर सकते हैं। मैं दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेती हूँ। आप लोग मेरे साथ साथ लिखते रहिए। हमने कहा किसी भी वस्तु विषय का क्रमबद्ध व निश्चित ज्ञान, चलिए ये हमने बात कर ली है डेफिनेशन की, जो हमारे पास विज्ञान की परिभाषा आती है। सबको ये डेफिनेशन नोट भी करनी है और आपको याद भी होनी चाहिए। सिंपल है, प्लस आपको समझना है क्रमबद्ध का क्या मतलब है, निश्चित से यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है। अब हमने कहा विज्ञान हमारे पास आ जाता है, लेकिन आपने देखा होगा आपकी बुक में विज्ञान 3 पार्ट में डिवाइड हो रखा है। कौन कौन से होते हैं वो 3 पार्ट हम देखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस डेफिनेशन को जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए सबने नोट कर लिया, ठीक है जी आईसी ग्वालदम आपने नोट कर लिया, करिए नोट कीजिए। जी आईसी द्यारतोली आपको आवाज आ रही है, जी आई सी द्यारतोली अगर आपको आवाज आ रही है हाथ खड़े कीजिए। ठीक है आप सबने नोट कर लिया, सबने नोट कर लिया यहाँ पे डेफिनेशन। अब हम जान चुके हैं विज्ञान क्या होता है। मैंने आपको बताया है विज्ञान के 3 भाग यहाँ पे होते हैं। आपके पास जितने भी चैप्टर हैं आप सब लोग अपनी बुक सामने रखेंगे। ओके जी आई सी बचवा बन, ठीक है आपने नोट कर लिया। देखिए अपने पास अपनी बुक भी रखेंगे और वहां पे आपका सिलेबस होगा, वो आप देखेंगे कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो आपके पास टोटल 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर हैं, और जो 16 चैप्टर हैं वो 3 भागों में विभाजित हो रखे हैं। तो हमने अब हमारे पास आते हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस, यानी कि जो विज्ञान है, विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान के अलग अलग भाग होते हैं, कौन कौन से होंगे। पहला हमारे पास आता है केमिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान। दूसरा हमारे पास आता है बायोलॉजी, जिसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। तीसरा हमारे पास आता है फिजिक्स।
तो यहाँ पे तीन पार्टों में डिवाइड हुआ है। तो हमें आज के सेशन में क्या पढ़ना है, हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जीव विज्ञान के विषय में हमें पढ़ना है। चलिए, तो आज के बाद आपको ये पता होना चाहिए, साइंस के अंदर हमारे पास तीन विषय आते हैं, तीन अलग अलग पार्ट आते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। और हम पढ़ेंगे यहाँ पे बायोलॉजी के बारे में, यानी जीव विज्ञान के बारे में। अब हमने कहा विज्ञान तो हम जानते हैं, लेकिन जीव विज्ञान क्या है? ये जो तीनों चीजें हैं, तीनों को अलग अलग जो पार्ट है, अलग अलग पार्ट में क्यों डिवाइड हमने किया है? तो अब हम देखेंगे जीव विज्ञान की परिभाषा क्या हमारे पास आती है। द वर्ड बायोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो जो यहाँ पे बायोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक शब्द से मिलके बना है। तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना है, हम अगर यहाँ पे तोड़ेंगे BIO बायो, LOGY लॉजी, बायो प्लस लॉजी, दो शब्दों से मिलके बना है। तो यहाँ पे बायो का मतलब क्या होगा? बायो का मतलब होगा लाइफ, यानी कि बायो का मतलब होगा यहाँ पे जीवन। दूसरा जो शब्द हमारे पास आता है लोगोस, उसका मतलब होगा स्टडी। दूसरा जो शब्द है उसका मतलब क्या है? स्टडी यानी कि अध्ययन। यानी कि दो शब्दों में डिवाइड हो रखा है बायोलॉजी, बायो प्लस लोगस। तो बायो का मतलब है जीवन और लोगो का मतलब है अध्ययन, यानी कि जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? GIC बचवा बन। मैं आपको नोट करने के लिए टाइम दूंगी, अभी आप सुनिए मैं आपको क्या बता रही हूँ। तो मैंने कहा कि बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? जीवन के विषय में पढ़ेंगे। अब जीवन क्या होता है आप आगे देखेंगे। एंड इट इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो जीव विज्ञान है उसे कैसे परिभाषित किया जाता है? जीवित जीवों के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब हमने कहा विज्ञान किसी भी चीज का निश्चित और क्रमबद्ध ज्ञान है। अब हम इस निश्चित और क्रमबद्ध चीज को कहाँ पढ़ेंगे? जीवन के विषय में ज्ञान होगा और क्रमबद्ध ज्ञान होगा अंतर्गत पढ़ेंगे। अब आप समझ रहे हैं बायोलॉजी का क्या मतलब है? बायोलॉजी का मतलब है जीवन से संबंधित। देखिए, जीव का मतलब है जीवन से संबंधित, यानी लिविंग से संबंधित। तो लिविंग क्या क्या होंगे हमारे पास, क्या क्या आते हैं? हमने कहा जितने भी जीव जंतु हमारे पास हैं, जितने भी पेड़ पौधे हमारे पास हैं, वो लिविंग के अंतर्गत आते हैं, जीवित के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब बायो में हम किस चीज के विषय में पढ़ेंगे? दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक है जंतु के बारे में और एक है पादप के बारे में। अब जंतु में सारे ही आते हैं, आप देखेंगे जंतु में मनुष्य भी आएंगे, पशु भी आएंगे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो भी आते हैं वो सारे हम इनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। और पादप भी हमने देखा, अलग अलग प्रकार के पादप हमारे पास आते हैं, तो सारे पादपों के विषय में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमने क्या देखा? हमने कहा एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ वन सेल, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, और सेवरल सेल्स, एग्जाम्पल एनिमल्स, प्लांट एंड फंजाई। यानी एक जीव इकाई है जिसमें एक कोशिका जैसे बैक्टीरिया या कई कोशिकाएं जैसे जानवर, पौधे और कवक शामिल हैं। अब आपको बताया जा रहा है कि जो जीव है इनमें क्या क्या शामिल हैं। तो आपको सिंपली याद रखना है, आपको साइंस की जो डेफिनेशन है वो याद रखनी है। साइंस के कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। आपको कौन कौन से वो भाग होते हैं वो याद रखने हैं। हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बारे में, आपको जीव विज्ञान में क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए। हमने कहा जीव विज्ञान में हम पढ़ेंगे जीवों के विषय में। अब जीवों में कौन कौन आएंगे? तो हमने कहा जितने भी जीवित प्राणी हैं वो आएंगे, और जितने भी जो पादप हैं वो यहाँ पे आएंगे, इनके विषय में हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम जानेंगे कि हमारे पास कौन कौन से जो चैप्टर होंगे। जो आपकी बुक है उसमें जो चैप्टर है वो तीनों ही पार्ट से आए हैं। कुछ केमिस्ट्री के पार्ट होंगे, कुछ बायोलॉजी के पार्ट होंगे और कुछ फिजिक्स के पार्ट होंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हमारे पास है उनके विषय में आप पढ़ेंगे, और केमिस्ट्री और जो फिजिक्स के चैप्टर हैं वो आप नेक्स्ट सेशन में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आप जो जीव विज्ञान है उसकी डेफिनेशन को नोट कीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किन किन चैप्टर के विषय में हमें पढ़ना है। GIC द्यारतोली आप लोग नोट कर रहे हैं? GIC द्यारतोली आपको आवाज आ रही है? अच्छा, आप लोग नोट कर रहे हैं, नोट कीजिए डेफिनेशन को। ठीक है, सबने नोट कर लिया। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर्स के बारे में, कौन कौन से चैप्टर हमारे पास यहाँ पे आते हैं।
सबसे पहले चैप्टर नंबर वन, अब देखिए जो आपको यहाँ पे रेड कलर में जो हेडिंग्स यहाँ पे दिख रही हैं वो हमारे बायो के चैप्टर होंगे। तो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास आता है चैप्टर नंबर वन, दैट इज फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी भोजन यह कहाँ से आता है। आप सबके पास बुक है, जीआईसी बचवा बन, जीआईसी द्यारतोली, आप सबके पास बुक है साइंस की, ठीक है। बुक ओपन करेंगे, जिसके पास भी बुक है अपनी बुक ओपन कीजिए, जहाँ पे सिलेबस होगा चैप्टर के नाम आपको बताए गए हैं वो वाला पेज निकालिए। जीआईसी द्यारतोली, एक बच्चे के पास बुक है अपनी बुक ओपन कीजिए। चलिए तो अब हम देखते हैं जो चैप्टर नंबर वन हमारे पास आता है वो है भोजन के विषय में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भोजन के बारे में, भोजन क्या होता है, भोजन की डेफिनेशन हम जानेंगे, भोजन कहाँ से हमें प्राप्त होता है, भोजन हम क्यों ग्रहण करते हैं, भोजन से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं, यदि हमें भोजन ना मिले तो हमारे पास हमारे पे क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्या क्या हेडिंग आती है। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल, सबसे पहले हम देखेंगे जो अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं उनकी फूड हैबिट को हम देखेंगे। फूड हैबिट से क्या मतलब है कि जो भोजन है वो किस प्रकार का भोजन जीव करते हैं, पहली बात हम ये देखेंगे। नेक्स्ट हमने देखा सोर्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के स्रोत। भोजन के स्रोत में क्या हम दो चीजें पढ़ेंगे, भोजन के स्रोत क्या क्या होते हैं। हमने कहा अगर हम एनिमल की बात करें, किसी जीव की बात करें, तो भोजन के मुख्यतः दो स्रोत पाए जाते हैं, एक होता है प्लांट यानी कि पादप और दूसरा होता है जंतु। जो सिलेबस है वो आप नोट नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास बुक होगी और आप ये जो पूरा कंटेंट है वो आपके पास होगा, तो चैप्टर के नाम कोई नोट नहीं करेगा। जी आई सी ग्वालदम, आप लोग चैप्टर के नाम नोट नहीं करेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर आता है चैप्टर नंबर टू, दैट इज कंपोनेंट ऑफ फूड। देखिए पहले जो चैप्टर था उसमें हमने भोजन के विषय में पढ़ा था, जो भोजन का परिचय था वो हमने जाना, भोजन हम क्यों ग्रहण कर रहे हैं वो हमने जाना। अब हम जानेंगे जो भोजन है भोजन के घटकों के बारे में जानेंगे, तो भोजन के घटक क्या होते हैं, यानी कि भोजन किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि अगर हम आपसे कहें आपने कोई सब्जी बनाई है या सिंपली आपने चाय बनाई है, हमने कहा चाय के क्या क्या घटक हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे मिलके चाय बनी है, आप कहेंगे पानी है, दूध है, चीनी होगी और पत्तियां होंगी। तो ये क्या है, चाय के घटक हैं, इन सारी चीजों से चाय मिलके बनी है। उसी प्रकार से जो अलग अलग प्रकार का भोजन हम ग्रहण करते हैं तो उनके घटकों को हम देखेंगे कि कौन कौन से उसमें घटक होते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड। सेकेंड आएगा डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि भोजन की कमी से होने वाली बीमारियां। आपने देखा होगा अगर किसी व्यक्ति को भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, घटक होंगे किस घटक की कमी के कारण, किस पोषक तत्व की कमी के कारण कौन सी बीमारी होगी वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। थर्ड जो हेडिंग हमारे पास आएगी वो है न्यूट्रिएंट्स इन फूड एंड बैलेंस डाइट, हम पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे और संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है, ये चैप्टर के नाम है और चैप्टर के अंदर ये हेडिंग है, इन किन किन चीजों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सेम यहाँ पे भी चैप्टर का नाम है और ये क्या हमारे पास हेडिंग आती है, इन चीजों के विषय में हम पढ़ेंगे। बाकी ये जो चैप्टर है ये आपके कुछ केमिस्ट्री और कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे, कुछ चैप्टर यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारे पास आएगा वो है चैप्टर नंबर 7, और ये भी क्या है, बायो का चैप्टर है, इसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट, यानी कि पौधों के विषय में जानिए। अब हम जानेंगे पौधों के विषय में, पौधे क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पौधे भोजन करते हैं या नहीं करते हैं, अगर भोजन करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं। तो पहली हेडिंग हमारे पास आएगी फ्लावर एंड लीफ, सबसे पहले हम जो यहाँ पे प्लांट है उसके स्ट्रक्चर यानी कि उसकी संरचना के बारे में जानेंगे, पौधे के अलग अलग पार्ट के बारे में जानेंगे, जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, फूल हो गया, सारे ही पार्ट्स के बारे में जानेंगे। सेकेंड हम जानेंगे टाइप्स, अब हम देखेंगे जो पादप है पादपों के अलग अलग प्रकार होते हैं, कुछ झाड़ियां होती हैं, कुछ क्या होते हैं, कुछ हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स यानी कि बहुत छोटी छोटी जो घास होती है, फिर झाड़ियां होती हैं, फिर पेड़ आते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हम देखेंगे हर्ब्स, श्रब्स और ट्री, तीनों के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या कैरेक्टर हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेम एंड रूट के बारे में, यानी कि जो तना और जड़ है उसके बारे में। इन शॉर्ट हमें चैप्टर नंबर 7 में क्या पढ़ना है, जो पौधे हैं पौधे के अलग अलग भागों के बारे में जानना है, पौधे के अलग अलग भागों के कार्य क्या होते हैं, जैसे कि हमने कहा फूल का कार्य क्या है, जड़ का कार्य क्या है, तने का कार्य क्या है, ये सब हम इन चीजों में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारे पास आएगा वो है चैप्टर नंबर 8, और उसमें है बॉडी मूवमेंट। यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो शरीर की गति होती है, जो भी हम गति करते हैं,
अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो इसका मतलब जो मेरी टंग है, मेरी जीभ है, वो गति कर रही है। किस प्रकार से वो गति कर रही है? मैं अपने हाथों को इस प्रकार से हिला पा रही हूँ, ये भी एक गति है। कैसे ये गति होती है, यही हम पढ़ेंगे। पहले हमारे पास जो हेडिंग आएगी वो है जॉइंट्स इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में अलग अलग जॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट, यानी कि लोकोमोशन क्या होता है कि हम जो मूवमेंट करते हैं, जो गति करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मूवमेंट इन इनवर्टिब्रेट्स। और जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जो मनुष्य का जो कंकाल तंत्र है, कंकाल तंत्र यानी कि मनुष्य की जो बॉडी में जो बोन्स पाई जाती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। जीआईसी बचवा बन, आप में से किसी को कुछ पूछना है? यस, माइक लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर आएगा वो है चैप्टर नंबर 9, और इसमें कहा गया है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके विषय में। तो ये हमारे पास हमारा सिलेबस आता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम भोजन के विषय में पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।